तो वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली गाइस, जितने भी स्टूडेंट ने रीट के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो सभी छात्र बेसब्री से अपने आंसर की का वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज की डेट में एक ऑफिशियल अपडेट सामने आ रही है, जो मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि कल के डेट में आ सकता है आपका आंसर की। उसके साथ साथ गाइस, कई और ऐसे अपडेट हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस, मैं देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी बोले 23 जुलाई को दूसरी पारी का पेपर सबसे कठिन, बोर्ड नहीं माना तो जाएंगे कोर्ट। तो ऐसे में गाइस, जो सेकेंड पारी में आपका एग्जाम हुआ था तो वो काफ़ी टफ आया था, आपको भी पता होगा जिन छात्रों ने दिया है। तो उनका बस यही क्वेश्चंस है कि अगर बोर्ड नहीं मानते हैं तो हम लोग जाएंगे कोर्ट में। तो इसमें आपका एग्ज़ाम थोड़ा रिजल्ट है वो तो जारी होगा ही, लेकिन गाइस जो आपका सिलेक्शन है वो थोड़ा डिले हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे हम नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि राजस्थान में रीट परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही व्यवहार शुरू हो गया है। पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। तो गाइस देखिए, नॉर्मलाइजेशन लोग कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर देना, अपना ओपिनियन आप कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सबको प्रॉपरली बताऊँ क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किन छात्रों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना कि आपको नीड है क्या नॉर्मलाइजेशन की। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि जारी करने की मांग की है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि 23 और 24 जुलाई को दोनों दिन चारों पेपर अलग अलग श्रेणी के थे, एंड लेकिन 23 की दूसरी पारी का पेपर कठिन जबकि पहली पारी का सरल था। इसी तरह 24 को भी दोनों पेपर के सवालों के स्तर पर अंतर था। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही रिजल्ट, यहाँ पे गाइस आपको बता दूँ कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही रिजल्ट जारी होना चाहिए, ये बच्चों की मांग है। तो गाइस यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन, आप प्लीज़ कमेंट कर देना। और गाइस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो एक नोटिस भी जारी की गई है। यहाँ पे साफ साफ बताया भी जा रहा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ओके, अजमेर। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि रीट 2022 के परीक्षार्थियों की सूचनार्थ। तो गाइस इसमें क्या है, इसको ध्यान से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुन लेना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीट 2022 परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित आपत्ति निवारण हेतु परीक्षार्थियों को रीट कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20/7/2022 को सूचना प्रकाशित की गई थी। तो गाइस उसके बाद नीचे आते हैं ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस सूचना में जिन परीक्षार्थियों ने तो गाइस यहाँ पे है ना कि यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती भी ये वर्णित किया गया था। एंड गाइस यहाँ पे है कि उक्त क्रम में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु परीक्षार्थी दिनांक 18/8/2022 अपराह्न 3 बजे तक गृह कार्यालय में व्यवस्थित उपस्थित होकर अभ्यावेदन दस्तावेज के प्रस्तुत कर सकते हैं। तो गाइस जो भी आपका ये काम है प्लीज़ आप कर लेना, आपका अगर आपका जो भी इशू है यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आप पोस्ट पर पढ़ भी सकते हैं, अगर मैं पूरा पढ़ के बताने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो गाइस मैं ये चाहता नहीं हूँ। ओके, अब वैसे यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी बोले 23 जुलाई को दूसरी पारी का पेपर सबसे कठिन, बोर्ड नहीं माना तो जाएंगे कोर्ट। तो यही गाइस यही अपडेट भर भर के चल रहा है। इसमें गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कितने बच्चे चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ला सकूँ। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि आप सब अपना आंसर की देख पाएँ जब भी आपका जारी होता है या फिर कब जारी होगा, इसके लिए आपको गूगल पे आना होगा। यहाँ पे बस आपको आकर सर्च कर लेना है रीट, यहाँ पे गाइस मैं आपको जो भी स्टेप बता रहा हूँ प्लीज़ आप फॉलो करना, आपको सब कुछ कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि आपका आंसर की कब आएगा और आप सब कैसे चेक कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे सर्च करना है रीट आंसर की 2022, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 2022, एंड गाइस आपको लास्ट में boardsexam.com लगा देने हैं ताकि आप सही से सर्च कर पाएँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या है, boardsexam, एंड गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में .com।
तो गाइस आपको बस यही कीवर्ड सर्च कर लेना है गूगल पर। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रीट एंसर की 2022 बोर्ड्स एग्जाम .com गाइस, बस आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पे आप रिकमेंड हो जाओगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सब कुछ आपको डिटेल से बताया गया है, आप इसको पढ़ लेना और गाइस ज़रूर से पढ़ लेना। यहाँ पे जल जारी होगा आंसर की एंड गाइस यहाँ पे नीचे सब कुछ आपको बेसिकली बताया गया है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना आप। यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके अपना आंसर की आसानी से चेक कर पाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।